हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रंजीत श्रीवास्तव आप सभी का आइडियल इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग भौतिक विज्ञान विषय का एक टॉपिक पढ़ेंगे, फिजिक्स, है ना। साइंस जो आपका है, इसकी तीन प्रमुख ब्रांचेज होती हैं, एक फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो आज फिजिक्स टॉपिक का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है कुछ प्रमुख पद्धतियां। देखिएगा, आप लोगों ने बहुत सी पद्धतियों के नाम सुने होंगे, जैसे AMKS पद्धति, AMKS पद्धति। इसके बाद आपने सुना होगा CGS पद्धति, CGS पद्धति, FPS पद्धति, और एक पद्धति है आपकी SI पद्धति, इंटरनेशनल सिस्टम। इसका फुल फॉर्म है मीटर किलोग्राम सेकेंड, CGS का फुल फॉर्म है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, और FPS का फुल फॉर्म है फुट पाउंड सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड, और यह है इंटरनेशनल सिस्टम, अंतरराष्ट्रीय पद्धति। ठीक है, तो देखिएगा इनकी परिभाषा पहले हम लोग समझ लेते हैं। इनकी परिभाषा क्या है? ऐसी पद्धति, वह पद्धति जिसमें द्रव्यमान, देखिएगा कुछ प्रमुख मूल मात्रक, कुछ प्रमुख मूल राशियां हैं जैसे द्रव्यमान, द्रव्यमान यानी मास, सॉरी पहले आपका जो है दूरी का रहेगा, पहले लंबाई को मान सकते हैं या दूरी, लंबाई, द्रव्यमान और समय। ठीक है, तो MKS पद्धति की परिभाषा क्या है? ऐसी पद्धति, ध्यान दीजिएगा बेटा, ऐसी पद्धति जिसमें लंबाई को मीटर में मेजर किया जाए, ऐसी पद्धति जिसमें लंबाई को मीटर में मेजर किया जाए, किसमें मेजर किया जाए? मीटर में, तथा द्रव्यमान को किलोग्राम में, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम हो और समय का मात्रक सेकेंड हो, समय का मात्रक क्या हो? सेकेंड। तो एक ऐसी पद्धति जिसमें लंबाई का मात्रक मीटर हो, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और समय का मात्रक सेकेंड हो, उसे MKS पद्धति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऐसी पद्धति जिसमें लंबाई का मात्रक मीटर हो, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम हो और समय का मात्रक सेकेंड हो, उसे MKS पद्धति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, दूसरा है CGS पद्धति, ऐसी पद्धति जिसमें लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर हो, लंबाई का मात्रक क्या हो? अब सेंटीमीटर, ऐसी पद्धति जिसमें लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर हो, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम हो, द्रव्यमान का मात्रक क्या हो बेटा? ग्राम, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम हो और समय का मात्रक सेकेंड हो, समय का यहां पर भी सेकेंड ही रहेगा। तो एक ऐसी पद्धति जिसमें लंबाई को सेंटीमीटर में मेजर किया जाए, द्रव्यमान को ग्राम में मापा जाए और समय को सेकेंड में, तो उस पद्धति को ही CGS पद्धति के नाम से जाना जाता है। तीसरी है आपकी FPS पद्धति, ऐसी पद्धति जिसमें लंबाई को फुट में, लंबाई को फुट में मापा जाए, ऐसी पद्धति जिसमें लंबाई को फुट में मापा जाए और द्रव्यमान को पाउंड में मापा जाए, द्रव्यमान को किसमें? पाउंड में मापा जाए और समय को सेकेंड में, तो यहां पर भी समय का सेकेंड ही रहेगा। ठीक है, तो ऐसी पद्धति जिसमें लंबाई का मात्रक फुट हो, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड हो और समय का मात्रक सेकेंड हो, उसे FPS पद्धति के नाम से जाना जाता है। चौथी पद्धति है इंटरनेशनल सिस्टम, अंतरराष्ट्रीय पद्धति। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय पद्धति जो होती है इसमें सात मूल राशियां होती हैं। कितनी मूल राशियां होती हैं? सात मूल राशियां होती हैं, और उन मूल राशियों को मेजर करने के लिए जो मात्रक प्रयोग किए जाते हैं उन्हें मूल मात्रक के नाम से जाना जाता है।
तो अब हम लोग पहले अंतरराष्ट्रीय पद्धति की सात प्रमुख मूल राशियों को देखेंगे। सात मूल राशियां कौन कौन सी हैं, तो इनके सबके फुल फॉर्म आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। इसका फुल फॉर्म है बेटा इंटरनेशनल सिस्टम, अंतरराष्ट्रीय पद्धति। अंतरराष्ट्रीय पद्धति में सात मूल राशियां होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे मूल राशि। मूल राशि, फंडामेंटल क्वांटिटीज, है ना, फंडामेंटल क्वांटिटीज। मूल राशि किसे कहते हैं, वे भौतिक राशियां, वे भौतिक राशियां जो स्वतंत्र रूप से पाई जाती हैं, जो अन्य किसी राशि पे निर्भर नहीं होती है, स्वतंत्र रूप से पाई जाने वाली राशियों को ही, वे भौतिक राशियां जो स्वतंत्र रूप से पाई जाती हैं उन्हें मूल राशि के नाम से जाना जाता है। और मूल राशियों की संख्या अंतरराष्ट्रीय पद्धति में, इनकी जो संख्या होती है सात है। अंतरराष्ट्रीय पद्धति में मूल राशियों की संख्या कितनी बताई गई है, सात। इसके बाद आता है मूल मात्रक। मूल मात्रक, मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए जिन मात्रकों की आवश्यकता होती है उसे मूल मात्रक के नाम से जाना जाता है। पहले मैंने आपको समझाया मूल राशि, तो मूल राशि किसे कहते हैं, वे भौतिक राशियां जो अन्य किसी राशि पर निर्भर नहीं होती हैं, अर्थात स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं, उसे मूल राशि कहते हैं। अंतरराष्ट्रीय पद्धति में मूल राशियों की संख्या सात होती है, और इन्हीं मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए जिन मात्रकों की आवश्यकता होती है उसे मूल मात्रक कहते हैं। तो अब हम लोग समझेंगे वह सात मूल राशियां देखिए कौन कौन सी हैं और उनके मात्रक। तो एक तरफ हम लोग लिख लेंगे मूल राशि और दूसरी तरफ लिखेंगे मूल मात्रक। मूल मात्रक जैसे अंतरराष्ट्रीय पद्धति में पहली आपकी एक मूल राशि है लंबाई। लंबाई, लंबाई का बेटा जो मात्रक होता है, लंबाई का मात्रक मीटर होता है। लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर, ठीक है। तो यह एक आपकी मूल राशि हो गई और इसका मात्रक आपको बता दिया गया मीटर। दूसरी मूल राशि लिखेंगे द्रव्यमान। द्रव्यमान, मास, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। तीसरी मूल राशि है आपकी समय, और समय का जो मात्रक है अंतरराष्ट्रीय पद्धति में वह सेकेंड होता है। समय का मात्रक क्या बताया गया यहां पे, सेकेंड होता है। चौथी मूल राशि लिखेंगे ताप। ताप मतलब टेम्परेचर, और टेम्परेचर का जो मात्रक है वो केल्विन होता है। केल्विन, देखिए ताप के यूनिट तो कई होते हैं, है ना। ताप का मात्रक डिग्री सेंटीग्रेड भी होता है, फारेनहाइट भी होता है, रोमर भी होता है, और केल्विन भी होता है। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि अंतरराष्ट्रीय पद्धति में ताप का मात्रक क्या है, तो अंतरराष्ट्रीय पद्धति में ताप का मात्रक केल्विन होता है, ठीक है। इसके बाद पांचवी मूल राशि लिखेंगे विद्युत धारा। विद्युत धारा, और विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। छठवीं मूल राशि लिखेंगे ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडिला। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला। और सातवीं मूल राशि है आपकी पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है मोल। पदार्थ की मात्रा का मात्रक है मोल।
यहीं पर इनके संकेत भी लिख लीजिएगा, इन मूल मात्रक के संकेत सिंबल, जैसे मीटर का सिंबल होता है एम, है ना, मीटर को सिंबल दे दिया जाएगा एम, और किलोग्राम का सिंबल है केजी, सेकेंड का सिंबल रहेगा स्मॉल एस बना देंगे, है ना, ये सेकेंड, केल्विन के लिए के बनाएंगे और एम्पियर के लिए ए रहेगा, कैंडिला के लिए सिंबल आपका रहेगा सीडी कैंडिला, और पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है मोल, तो मोल का सिंबल रहेगा एम ओ एल मोल। ओके, तो ये थी आपकी मूल राशियां, ठीक है, और इनके मात्रक। तो वे भौतिक राशियां जो किसी अन्य राशि पे निर्भर नहीं होती हैं, स्वतंत्र रूप से पाई जाती है, उसे मूल राशि कहते हैं, और इन्हीं मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए जिन मात्रकों की आवश्यकता होती है उसे मूल मात्रक कहते हैं। तो आपकी जो अंतरराष्ट्रीय पद्धति है, इंटरनेशनल सिस्टम, अंतरराष्ट्रीय पद्धति में मूल राशियों की संख्या 7 होती है। कौन कौन सी मूल राशियां हैं ये आपके सामने लिख दी गई है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति, तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, और